हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है वो चैप्टर टाइम एंड क्लॉक से रिलेटेड है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड, यानी कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच के एंगल पे कितना समय हो रहा होगा, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि मिनट स्पेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम्स को कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये हमारे एडवाइज़र पब्लिशिंग ग्रुप के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिशंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की किताब पर बेस्ड है, जिसे प्रोफेसर केसी सिन्हा और मैंने को ऑथर किया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वीडियो को देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनट स्पेसेस का क्या फंडा है, क्या कॉन्सेप्ट है, और हम फिर देखते हैं कि मिनट हैंड और आर हैंड को इसमें हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, इनके बीच में क्या कोरिलेशन बिठाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक घड़ी दी हुई है जिसमें 2 बज रहे हैं। हम इस घड़ी में ये देखते हैं कि इस घड़ी का जो इंटायर स्पैन है, ये पूरा जो सर्कल है, ये मिनट हैंड 60 मिनट में करता है, यानी कि ये पूरा स्पेस 60 मिनट में कवर होता है। और इस पूरे स्पेस को ही हम कहते हैं कि ये पूरा क्लॉक 60 मिनट स्पेसेस में डिवाइडेड है। हर मिनट को हम कहते हैं 1 मिनट स्पेस। तो अगर आप 12 से 1 के बीच में जाएंगे तो ये 5 मिनट स्पेस होगा, 1 से 2 के बीच में जाएंगे तो अगेन ये 5 मिनट स्पेस होगा, और यहां से यहां तक 10 होगा। इस तरीके से हर 5 मिनट स्पेसेस को आप जोड़ते जाएंगे तो कंप्लीट क्लॉक 60 मिनट स्पेसेस में कवर हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि हर घंटे आर हैंड, यानी कि घंटे वाली जो सुई है, वो कितने मिनट स्पेसेस मूव कर रही है, हर घंटे आर हैंड या जो घंटे वाली सुई है वो इस नंबर से इस नंबर या इस नंबर से इस नंबर आएगी, तो ये जो स्पेस है ये हर जगह बराबर है। और ये कितना है? 5 मिनट स्पेसेस, क्योंकि ऐसे 12 खाने बने हुए हैं और वो 60 मिनट में ये मिनट वाला हैंड कंप्लीट कवर करता है, यानी कि 60 मिनट स्पेसेस हैं और ये 5-5 के 12 टुकड़े। तो एक घंटे में आर हैंड हमेशा इतना स्पेस कवर करेगा और ये स्पेस 5 मिनट स्पेस यानी 5 मिनट स्पेसेस होगा। जब आर हैंड 5 मिनट स्पेसेस कवर करेगा, उसी बीच मिनट हैंड एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, यानी कि वो कंप्लीट सर्कल कवर करेगा, यानी कि 60 मिनट स्पेसेस कवर करेगा। तो एक घंटे में हम देख रहे हैं कि आर हैंड 5 मिनट स्पेस मूव करता है और एक मिनट हैंड 60 मिनट स्पेस मूव करता है। तो अल्टीमेटली एक घंटे में मिनट हैंड आर हैंड से कितना ज्यादा गेन कर रहा है? तो ये 60 मिनट स्पेसेस गया और आर हैंड 5 मिनट स्पेस गया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 60 - 5 = 55। तो हर घंटे मिनट हैंड आर हैंड से 55 मिनट स्पेसेस गेन करता है हर एक घंटे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर घंटे में मिनट हैंड जो है वो आर हैंड से 55 मिनट स्पेसेस गेन करता है। अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी आसान हो जाती है। आइए अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि रात के 9 बजे से 10 बजे तक, बिटवीन 9 PM एंड 10 PM, वो कौन सा समय होगा जब मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके की पोजिशन होगी। 9 और 10 के बीच में आर और मिनट वाली सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी, तो उस वक्त क्या समय हो रहा होगा ये हमें बताना है। इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है मिनट स्पेसेस का यूज करके? सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 बजे सुइयां इस पोजीशन पे होती हैं, ठीक है, मिनट वाली सुई यहां होगी और आर हैंड यहां थी। अब कुछ समय के बाद वो समय हम मान लेते हैं एक्स मिनट स्पेसेस, यहां से यहां जो मूव कर रहा है ये स्पेस जो है इसको हम लोग एक्स मिनट स्पेसेस मानते हैं। एक्स की का मान हमें निकालना है, तो हम कहेंगे कि आर हैंड 9 से किसी एक्स मिनट स्पेस ऊपर तक चला गया है और उसी बीच मिनट हैंड यहां 12 से शुरू करता हुआ यहां तक आ गया है। अब आप ये बताइए कि 12 से 9 तक आने में मिनट स्पेसेस ने मिनट हैंड ने कितने मिनट स्पेसेस कवर किए? 12 से 9 तक आने में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 मिनट स्पेसेस, यानी कि ये जो डैश्ड लाइन है ये कितने मिनट स्पेसेस को इंडिकेट कर रहा है? 45।
तो ये मिनट हैंड 45 प्लस एक्स मिनट स्पेसेस ऊपर गया। क्या हम देख रहे हैं कि 9 बजे के बाद जब ये दोनों आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वो x मिनट स्पेसेस 9 से ऊपर जा चुका है और तब ओवरलैप हो रहा है। उस वक्त आर हैंड और मिनट हैंड कितने मिनट स्पेसेस मूव कर चुके हैं ये हम पता करते हैं। तो सबसे पहले लेट द आर हैंड मूव बाय x मिनट स्पेसेस, ये हमने माना आर हैंड x मिनट स्पेसेस मूव कर रहा है। तो इन दिस टाइम यानी इस दौरान मिनट हैंड कितने मिनट स्पेसेस मूव कर गया, 45 प्लस x मिनट स्पेसेस। 45 तो ये रहा, 12 से 9 तक तो आया ही, उसके बाद फिर x मिनट स्पेस और ऊपर गया, यानी मिनट हैंड 45 प्लस x मिनट स्पेसेस मूव करता है। तो ये बताइए कि मिनट हैंड ने इतने मिनट स्पेसेस कवर किए, आर हैंड ने x मिनट स्पेसेस कवर किए इस समय में, तो मिनट हैंड कितने मिनट स्पेसेस गेन कर रही है, उसके लिए जितनी मिनट स्पेसेस मिनट हैंड ने ट्रेवल किया उसको आर हैंड से माइनस करेंगे, आर के मिनट स्पेसेस से माइनस करेंगे, तो हमारा 45 मिनट स्पेसेस निकलेगा। यानी कि इस दौरान जब आर हैंड x मिनट स्पेस मूव करे और मिनट हैंड 45 प्लस x मिनट स्पेस मूव करेगा, तो मिनट हैंड ने आर हैंड से 45 प्लस x माइनस x यानी कि 45 मिनट स्पेसेस की बढ़त बना ली है। और हम इससे पहले रिजल्ट में देख चुके हैं कि 55 मिनट स्पेस कितनी देर में गेन करता है, 55 मिनट स्पेसेस की बढ़त मिनट हैंड कितनी देर में बनाता है, 60 मिनट, यानी कि एक घंटे में मिनट हैंड जो है वो आर हैंड से 55 मिनट स्पेसेस की बढ़त बनाता है, अभी हमने रिजल्ट में देखा, ये हमें मालूम है। तो 45 मिनट स्पेस की बढ़त बनाने में उसको कितना वक्त लगेगा, ये यूनिटरी मेथड का सवाल है। तो 45 मिनट स्पेसेस गेन करने में उसको क्या लगेगा, इसको नीचे ले जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 45 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9/11 यानी कि 540/11 मिनट। ये कितने हो गए, 45 मिनट स्पेसेस गेन करने के समय इतना समय पास हो गया होगा, यानी कि मिनट हैंड यहां से यहां तक आया कितने मिनट ट्रेवल करता हुआ, 49/11 मिनट्स। तो क्या वक्त हो रहा होगा जब 9 और 10 के बीच में, वो क्या वक्त होगा जब आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर होंगे, वो होगा 9:49/11 मिनट्स, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। अभी हम एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा प्रॉब्लम अब हम उठाते हैं।